यू आर सो ब्यूटीफुल। तो क्या 8 बजने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ से कंकरिया लेक जा रही हूँ। थैंक यू। आपको लेक देखने जा रहा है? हाँ, कंकरिया लेक बंद है इसीलिए बोल रहा हूँ। क्यों? आज मंडे है। ओह, तो फिर अभी कैंसिल करनी पड़ेगी। वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो आज मंडे है, उस वजह से आज बंद होता है। मुझे सुबह किसी ने बताया भी था लेकिन याद नहीं था, तभी भैया ने मुझे बताया कि आज मंडे है, आज वो बंद है। तो अभी मैं लॉ गार्डन जा रही हूँ। लॉ गार्डन यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। फिर कोई वहाँ पे मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट बोल रहे हैं ना भैया, ट्रेडिशनल मार्केट है, वहाँ पे भी थोड़ा सा जाऊँगी घूमूँ। जो अभी लॉ गार्डन है उसका तो रात को कहते ज़्यादा अच्छा होता व्यू। नहीं, अभी भी अच्छा रहेगा, मतलब शाम होने को आई है। हाँ, ट्रैफिक भी बहुत होगा मतलब। तो आज मंडे को क्यों बंद रहता है वो? जो भी देखने लायक चीज है ना, मंडे को बंद रहती है, संडे को चालू रहती है। अच्छा, तो साफ सफाई के लिए मतलब मेंटेनेंस के लिए बंद रखते हैं। अच्छा, संडे और मंडे को बंद रहता है ना? मंडे को बंद रहता है, संडे को खुला रहता है। संडे को भीड़ ज्यादा होती है ना। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, वो मेंटेनेंस के लिए। हाँ, आप देख सकते हो ये मार्केट है यहाँ की। देखिए ये देखो, सुंदर सुंदर गुजराती ज्वेलरी है। देखो बहुत ही सुंदर सुंदर है और बिल्कुल लाइट वेट है, अच्छी लग रही है। क्योंकि यही ज्वेलरी जो है वो मॉल में रखी होती है तो बहुत ही महंगी महंगी देते हैं ये लोग। ये छोटी सी लड़की है जो ज्वेलरी बेच रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? लड़का हूँ। लड़के हो? सॉरी। घुमा घुमा के देख लो ना, ये सुंदर है। कितने का दीदी है? 250। और रेट कम भी करते हो आप? हाँ, कर देंगे। ये 220। YouTube पे आ जाएगा? नहीं नहीं, मेरा पर्सनल चैनल है ट्रैवलिंग हाइट्स, उस पे डालूंगी मैं, उस पे आप लोग देख सकते हैं। YouTube पे नहीं आएगा? हाँ, YouTube पे। हाँ, YouTube पे ट्रैवलिंग हाइट्स चैनल है, उस पे आएगा। ट्रैवलिंग हाइट्स मैं लिख के दे दूंगी आपको। हाँ, लिख के दे। हम भी आना चाहिए चैनल। हाँ हाँ, लॉ गार्डन में हम ज्वेलरी बेच रहे हैं। हाँ, एक से एक डिजाइन है। हाँ, अहमदाबाद में। ओके, कितने का ये? 200 रुपये। 100 रुपये का नहीं, सिर्फ 200 रुपये। चल ले लो 100 रुपये। रेस्ट साइड में अच्छे मिल रहे हैं मॉल। चल ले लो 100 रुपये। 250 रुपये। हाँ, 100 रुपये। आप छोटे छोटे नहीं है आपके पास है ना? ये कितने का है दीदी? 220। कितना? 150। ये थोड़ा सा घूमा आके दिखाओ, चोकर सेट नहीं। कितनी अच्छी है इनकी। ये ज्वेलरी हम ऑनलाइन देखते हैं या फिर बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं तो बहुत महंगी होती है। तो अभी मैं आगे चल रही हूँ, आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, खास करके
सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का, मुझे ये सुंदर लग रहा है, ठीक है। ये कितने का? हाँ दीदी, थैंक यू। ये तुमने भी पहना हुआ है ऐसे ही? इसको इसके लिए नाक में होल करने की जरूरत नहीं है, इसको पहनने के लिए नाक में होल करने की जरूरत नहीं ना? ये क्या बना रहे हो आप? अच्छा, इसके ऊपर आपने कुछ लगवाना हो तो लिख सकते हैं ना। कितने का है ये? 250 का। ओके, सुंदर है। ये सामने है ये भैया, ये बना रहे हैं, देखिए कितने सुंदर। ये की चेन है आई थिंक, है ना? और इसका सही सही प्राइस बताओ, इसका सही सही प्राइस बताओ। एक ही दाम में जो देखो अभी 200 में बना रहा हूं, सिंगल जैसे डबल बाप आ लिखा है। कितने का है ये? कितने का करेगी ये? नाम बड़ा 50 रुपए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू भैया, बस थैंक यू। कॉटन की बेडशीट्स हैं, क्या प्राइस है इनका? 1250। हाँ, 1250 एक पीस का, डबल बेड का। ज़्यादा बता रहे हो भैया प्राइस। ये देखो एक बेडशीट है कॉटन की, प्योर कॉटन की है, बड़ी है, और इसका प्राइस अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उनके साथ। एलिफेंट वाला भी दिखाओ, दिखाओ। और इनका कलर वगैरह तो नहीं जाएगा? एक साल के बाद भी वापस आके देना, एक दिन का धंधा नहीं हमारा। अच्छा, सारा कचबुच का आइटम है। आप यहाँ के लोकल हो, बाहर से आए हो? हम यहाँ के, यहाँ के ही हो आप? क्योंकि ये जो पैटर्न है ये आई थिंक राजस्थानी नहीं है, कचबुच की है, गुजराती और राजस्थानी से कचबुच की है। ओके, गणपति बाप्पा। चलो इसीलिए तुम्हें रुकी हूँ ना, आप फिर रेट बताओ। जानवर कौन सा पता अभी बदल ना, 1150 1150 लगा दे, पूरा 450 कम कर दिया, 1400 रुपया दोनों का फाइनल। प्लीज ऐसा खरीदी नहीं है। नहीं फिर मैं फिर नहीं लूंगी, बस थैंक यू। आपको ऐसा दिखाओ कम प्राइस वाला, ऐसा भी रखते, ऐसा नहीं, ऐसा भी दिखाओ। नहीं मुझे यही चाहिए। कोई आपको ऐसा फिट नहीं दिखाया मैंने आपको, कम प्राइस वाला अच्छा लगा। अच्छा, ये 1500 की है दोनों, और ये जो ऊपर लगी हुई है वाइट कलर की वो है 2000। मेरा रेट तो ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे थोड़े से, लेकिन काम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है। और ये एक 2000 की है, ये दिखा रहे हैं अभी, बहुत हैवी चोली है ये देखिए। ये गरबा ड्रेस है, ये साथ में चोली है, नीचे लहंगा था। ये 2000 की, 2000 लहंगा और ब्लाउज आता है, मुझे ज्यादा लग रहा है रेट। प्राइस मैडम आप पूरा लोकल में बोलोगे तो हम लोग जो अमन जी अपन ने काटे आओ 1500 वाले ये थैंक यू। ये देखिए ये कितनी प्यारी ड्रेस है, ये कभी मैंने ये झुमका खरीदा 100 रुपीज में, सिर्फ 100 रुपीज में, अच्छे हैं, खरीद लिया बच्चे मैंने खरीद लिया राजे, मैंने पहले शाम को ही खरीद लिया था मैं वो। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं खरीद रहे हैं जूते, सुंदर हैं। कितने का है भैया ये जूता? 200 पूरे जितने भी जूते हैं? जूते 200 का है, ये सब चप्पलें हैं वो 100 का है, वो वर्क वाला 150 का है। हाँ, ये देखिए ये जूती है वो 200 की है, ये 150, ये 150, ये 100 रुपीज का है, अच्छी दिख रही है, और ये 150 का है। ये 450 वाला है, मिनिमम 500। ओके,
इसमें ऑरेंज कलर है नहीं, ऐसे वाले में इसमें ब्लाउज मां का ऑरेंज है ब्लाउज मां अरे इतना 300 रुपए लग रहा है। हां भैया देखिए दुपट्टे हैं कितने सुंदर सुंदर, कितने का है भैया दुपट्टा? 300। बहुत बड़ी मार्केट है ये, ख़त्म ही नहीं हो रही है। फूड भी है बहुत सारा, आप देख सकते हो रोड के दूसरी साइड। देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं स्ट्रीट फूड की। और ये रॉ गार्डन है, इसकी बाउंड्री है ये। अभी मैं उसके अंदर जा रही हूँ, टाइम क्या नहीं है, गेट आगे है पीछे रह गया, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों बोल दिया आगे है गार्डन। आ जाइए, आप कहाँ से हो, आप यहाँ के लोकल हो? ओके, अभी ये क्या नाम है आपका? हाँ कर दिया बेटा, चल मैं करती हूँ 2 मिनट में। नाम क्या है आपका? मुमताज़। okay. ये क्या है? ये मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। ये अभी मुझे मुमताज़ मिली हैं, ये मुझे गाइड कर रही हैं और मुझे गेट का नहीं पता चल रहा, कोई मुझे आगे भेज देता है कोई पीछे भेज देता है। तो मुमताज़ ने बोला कि मैं आपको गाइड करती हूँ, बताती हूँ कहाँ पे है गेट, और वो मेरे साथ चल रही हैं अभी गेट दिखाने के लिए। मुमताज़ यू आर सो ब्यूटीफुल। आप यहीं के लोकल हो? yes. हमेशा क्राउड रहता है यहाँ, फिर अभी गरबा ये डांडिया वगैरह नवरात्रि चल रही है इसलिए क्राउड तो इवनिंग में रहता है ना? हमेशा रहता है, इवनिंग में काफी रहता है। अच्छा, मेरा चैनल है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करते हैं ट्रैवलिंग। और अभी फ़िलहाल मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे, मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं साथ में। वो ओके, अंदर भी चलूँ? अगर आपके पास टाइम है तो मैं फ्री हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, आई थिंक मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो है ही, इस टाइम में तो रहेगा ही यहाँ। मैं ज़्यादा लेट हो गई आई थिंक, शॉपिंग में बिजी हो गई ज़्यादा। ये है लॉ गार्डन लॉ गार्डन है ये। काफ़ी अंधेरा हो गया है, मैं ज़्यादा अच्छे से तो कैप्चर नहीं कर पा रही। बड़ी थी मैं, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ। मैं 6 o'clock आई थी और घर से निकली तो 3 मिनट लगे मैक्सिमम मुझे यहाँ पे आने तक। और मेरा हस्बैंड आए हैं। अच्छा, तीन दरवाजा है, थोड़ा दूर रहेगा यहाँ से आपको। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू, बाय। अभी मुझे ये मुमताज़ मिली थी, बहुत अच्छी लड़की थी, उसने मुझे थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करी लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका था तो कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अर्ली मॉर्निंग आइए, जॉगिंग भी हो जाएगी आपकी और साथ में आप अच्छे से व्यू भी ले पाओगे, कैप्चर भी कर पाओगे, अच्छी जगह है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे, तो इसलिए मैं वापस आ जा रही हूँ अभी अपने होटल। और अभी डिनर का टाइम हो चुका है तो मैं जा रही हूँ सामने डिनर के लिए। सामने डोमिनोज है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, देखते हैं क्या है वहाँ पे। ये जो नीचे आ रहे हैं वही है क्या वेज पिज़्ज़ा में? वेज पिज़्ज़ा में ये दोनों साइड जो आ रहे हैं वही हैं और नहीं है क्या कोई? ओके, तो अभी मैंने अपना पिज़्ज़ा बुक करवा लिया है, सॉरी पिज़्ज़ा पैक करवा लिया है मैंने। डोमिन चल के ही जा रही हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था क्योंकि जब मैं आई हूँ सिर्फ 3 मिनट लगे और चलने में भी सिर्फ 4 मिनट का रास्ता है। और उसने आते समय मुझे ओला वाले ने मुझसे 70 रुपीज़ ले लिए तो मुझे लगा कि मैंने ऐसे ही मनी वेस्ट हुई है मेरी। तो अभी मैं चल के ही जा रही हूँ, कुछ खास दूर नहीं है, यहीं पास में ही है। तो देखो चलते चलते जा रही हूँ, हमें थोड़ा चल के भी देखना चाहिए
देखते हैं मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाती हूं या नहीं पाती हूं, या मैं फेल होती हूं या मैं पास होती हूं। फाइनली मैं पहुंच गई हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने बलबूते पे ये सब कुछ किया है और अपने आप मैंने होटल ढूंढ लिया है। मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया है, सो इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये अपने बलबूते पे पैदल चल के अपना होटल ढूंढ लिया। थैंक यू गूगल। ये मैंने अपना होटल ढूंढ लिया पैदल चल के, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि मैं कभी नहीं चली। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं अकेली कभी बाहर नहीं निकली हूँ। गूगल भी यूज़ किया है लेकिन वो मैंने कार में बैठ के यूज़ किया है। मेरे हस्बैंड बोल देते थे कि मुझे डायरेक्शन बताओ, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के फ्रंट सीट पे उनको थोड़ा हेल्प कर देती थी। गूगल भी मैंने इतना ही यूज़ किया है, ज़्यादा मैंने नहीं यूज़ किया है। तो आज मैं गूगल यूज़ करके खुद चल के अपने होटल को ढूंढ के, मुझे लगता 4-5 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन अंदर डर भी था। काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 हो गए हैं, तो मैं अभी अकेली वो लॉ गार्डन से अपने होटल तक चल के आई हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैं ऐसे खुद किया मैंने सब कुछ। बहुत खुशी हो रही है और मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि तुझे बहुत खुशी होगी। खाऊंगी पिज़्ज़ा।